नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं रसोगोला। देखो यार, हमारा देश जो है ना, वो चुनौतियों से नहीं हारता, चुतियों से हारता है। क्योंकि जब लॉकडाउन था, तब उस वक्त पे कुछ लोग देश के साथ गद्दारी किया और लॉकडाउन का पालन ना करते हुए पूरे देश में कोरोना स्प्रेड कर दिया। और इसी के वजह से आज जब बहुत जगह लॉकडाउन खुलने का बात हो रहा है, तब भी लोग डर रहे हैं, क्योंकि आज पूरा देश रेड जोन बन चुका है। पर यार, मुसीबत यही ख़त्म नहीं होता, देश में अभी उससे भी बहुत ज़्यादा मुसीबत है। और इस वक्त पे हमें अपने देश के साथ खड़ा होना होगा। पर यार, कुछ गद्दार अभी भी है जो देश को तोड़ने में लगा हुआ है। एक बात हमेशा जान लो यार, ये ऐसा देश जहाँ तुमको इतना फ्रीडम मिलता है, तुम हर कुछ कर सकते हो, दुनिया के किसी भी देश में इतना फ्रीडम नहीं है। तो इसीलिए अभी वक्त है अपने देश के साथ खड़े होने के लिए। यार देखो, अब ऐसा वक्त आ गया है जब चीन हमारे देश पर हमला करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ गद्दार है जो उसी चीन का सपोर्ट कर रहा है और उसी के बनाए हुए बहुत सारे ऐप यूज़ कर रहा है, और उन्हीं में से सबसे बड़ा है टिकटॉक। यार अभी भी बहुत लोग टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक में वीडियो बना रहे हैं और चाइना को पैसा दे रहे हैं ताकि वो हमारे आर्मी को मार सके, हमारे देश पर कब्जा कर सके और फिर से हमें गुलाम बना सके। पर उन सब से मैं एक ही बात करूंगा यार, देखो तुम लोग को ऐसे भी कोई इज्जत नहीं करता, क्योंकि जो अपने देश के साथ गद्दारी करता है ना, वो किसी का नहीं होता। यार अभी सही वक्त है कि अपने फ़ोन और लैपटॉप से सारे चाइनीज ऐप और सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करो। और बहुत कोई को नहीं पता कि चाइनीज़ ऐप कौन सा है, तो मैं स्क्रीन में उन सारों का फोटो दिखा रहा हूँ, जैसे लाइक हो गया, टिकटॉक हो गया, यूजी ब्राउज़र हो गया, जेंडर हो गया, यहाँ तक कि दोस्तों पबजी भी चाइनीज़ ऐप ही है। मतलब इनडायरेक्टली, मतलब पबजी मोबाइल जो है उससे चाइना को पैसा जाता है। तो मैं पबजी यूज़र से भी बोलता हूँ यार, पबजी अनइंस्टॉल करो। मैं हर एक टिकटॉक और पबजी यूज़र को विनती करता हूँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कि अभी सही वक्त है, अपने फ़ोन से टिकटॉक और पबजी अकाउंट डिलीट करो और उसे अनइंस्टॉल करो, क्योंकि यार अभी नहीं तो कभी नहीं। देखो यार, ऐसे भी टिकटॉक यूज़र का कोई इज्जत नहीं होता, इसी बहाने अगर देश के लिए वो अपना टिकटॉक अकाउंट डिलीट करे, तो शायद पूरा देश उससे प्यार और उसको इज्जत करना शुरू करे। वरना ऐसे भी टिकटॉक और पबजी यूज़र देश को बर्बादी कर रहे हैं, और अब चाइना का चीज़ इस्तेमाल करके देश का गद्दार मत बन जाओ यार। कम से कम जिस देश में पैदा हुए, जिस देश का खाते हो, उस देश के साथ तो गद्दारी मत करो। क्योंकि देखो यार, तुम्हारा हर एक टिकटॉक वीडियो या हर एक पबजी लाइव स्ट्रीम चाइना को पैसा देता है ताकि वो हमारे देश के आर्मी को मार सके। तो इसीलिए यार, अपने देश के साथ खड़े रहो, और यही वक्त है जब टिकटॉक और पबजी अनइंस्टॉल करो, क्योंकि आप लोग के ही देखा देखी में बहुत सारे नया यूज़र पबजी और टिकटॉक इंस्टॉल करते हैं और उसमें अपना समय बर्बाद करते हैं। मैं हर एक उस यूट्यूबर से भी बात करना चाहता हूँ या उनसे भी विनती करना चाहता हूँ, जैसे कैरी मिनाटी हो गया, डायनामो हो गया, यार आप लोग भी कम से कम इस वक्त के लिए तो अपना पबजी अनइंस्टॉल कीजिए, वरना आप में और उन टिकटॉकर में क्या फ़र्क रह जाएगा जो पैसे के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने देश, अपने ईमान को भी बेच सकते हैं। तो इसीलिए टिकटॉकर मत बनिए, अपने देश और समाज के लिए लड़िए, अपने देश और समाज के साथ रहिए। पर हाँ, और एक बात, सिर्फ चाइनीज़ ऐप और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से ही नहीं होगा, हमें हर उस चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करना होगा जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं। मतलब ये नहीं कि जो आप खरीद चुके हैं उसे मैं फेंकने को बोल रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, हम लोग ये ध्यान रख सकते हैं कि कुछ भी नया चीज़ हम लोग चाइनीज़ ना खरीदें, जैसे फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, ड्रोन हो गया, लाइट हो गया, ऐसे बहुत कुछ। तो यार बहुत कोई को नहीं पता कि कौन सा चाइनीज़ कंपनी है, कौन सा नहीं, तो इसीलिए मैं स्क्रीन पे वो सारे चाइनीज़ कंपनी का नाम दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं और उन्हें बहिष्कार कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में उसके अल्टरनेटिव बहुत सारे सामान मिल जाएंगे, दो एक रुपया ज़्यादा हो सकता है,
लेकिन हम लोग 2-1 रुपया बचाने के लिए अपने देश के आर्मी को तो नहीं मार सकते ना। देखो यार, बहुत कोई बोलते हैं कि सरकार चाइनीज चीज़ों का बैंड क्यों नहीं करते, तो देखो यार, सरकार का अपना कुछ कंडीशन होता है, उन लोग का कुछ टर्म कंडीशन रहते हैं जिसके कारण वो डायरेक्टली चाइनीज चीज़ों को बहिष्कार या बैन नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक ये कस्टमर किंग होता है, जो हम और आप चाहेंगे वही होगा। इसीलिए हम लोग अगर दिल से और आज से ही चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करें तो वो वक्त दूर नहीं जब भारत सरकार भी चाइनीज चीज़ों पर बैन लगाएंगे। पर जाते जाते मैं एक बात आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि गद्दारों की वजह से ही हमारा देश 800 साल तक गुलाम रहा, 600 साल मुगलों का गुलामी किया और 200 साल अंग्रेजों का। पर अब हम लोग आज़ाद हैं और इस आज़ादी के लिए बहुत सारे वीर वीरगति को प्राप्त हुए, बहुत सारे शेर मरते दम तक लड़े। तो इसलिए हमें अपना आज़ादी का इज्जत करना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि देखो यार, इस बार अगर हम लोग गुलाम बन गए ना, तो शायद जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाते ना, तब तक हम लोग गुलाम ही रहेंगे। एक बात जान लो कि जो देश का दुश्मन है वो तुम्हारा दुश्मन है, और देश का हर एक गद्दार देश का दुश्मन होता है। जय हिंद, जय भारत।